वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एच यू पार्ट साला। दोस्तों आज छोटे से इस वीडियो में बी एच यू बी एस सी एजी का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूँ पेपर से कि कितने सेक्शन होते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन जो होता है वो आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और फिर जो थर्ड होता है थर्ड सेक्शन, उसमें आपको तीन सेक्शन और मिलेंगे, जैसे थर्ड हो गया, ए फोर्थ हो गया, ए फिफ्थ हो गया। तीनों में कितने क्वेश्चन होंगे? 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से कोई एक आपको अटेंड करना होता है, जैसे एजी वालों के लिए एजी अटेंड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 300 मार्क्स का हो जाएगा, 300 का। और टाइमिंग कितना होगा? तो 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। तो देखिए इसका जो एकदम सीधा सा आंसर है वो आपका यूरिया इसका आंसर होगा। इसका जो सीधा सा आंसर है वो क्या है? यूरिया। अब यूरिया वर्ड आया है तो यूरिया के बारे में और कुछ जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे साइट से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यूरिया है, पहली बात को यूरिया एक जो पहला ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इसको किसने खोजा था? तो इसको खोजा था हेनरिच वुलर ने। कब खोजा था? तो 1828 में, ठीक है। और किस कंपाउंड से खोजा था इसको? तो अमोनियम साइनेट से खोजा था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं तो NH2 का होल टाइज CO, ठीक है। फिर ऐसे जो इस जो अमोनिया जो यूरिया है ये आपको पहले भी इसके जो रियल फाउंडर है वो हेनरी वोरले हैं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ सल्फर फर्स्ट अपीयर ऑन, ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्लांट है, प्लांट किंगडम से है। तो पूछ रहा है कि जो सल्फर की कमी का लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो यंगर लीव में, ओल्डर लीव में, मिडल लीव्स में, नन ऑफ द एबव। तो उसका आंसर हो जाएगा नई पत्तियों, मतलब यंगर लीव पे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं, पीले कलर की दिखने लगती हैं। तो देखिए सल्फर आया तो सल्फर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सल्फर है ये ओनियन, सल्फर की वजह से ही जब ओनियन में थोड़ा सा सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से हम रोने लगते हैं, तो क्वेश्चन इससे ही बन सकता है। तो चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द क्रॉप हैविंग डीप रूट सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ग्राउंड, टोबैको एंड पपाया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि इसका आंसर मतलब आप रीजनिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए जो चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, कुसुम, कैक्टस और प्याज, लहसुन, पत्तीदार सब्जियां हैं, इनका क्या है कि ये तीनों के तीनों जो ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर रूपी शिरा विन्यास होती हैं, ठीक है। उनकी पत्तियां क्यों ऐसे ऐसे होती हैं, मतलब ऐसे 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 होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड वाला है इसका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो इससे क्या होगा कि इनकी पत्तियों से इनका जड़ पता चल जाएगा, इनके जड़ में मूसलाधार पाया जाएगा, तो 100% वो क्या हो, गहरे जड़े होंगी, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए आपका आता है पीएच वैल्यू ऑफ द सलाइन एल्कली सॉइल विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो टू 8.5, क्या जाएगा? बिलो टू 8.5। फिर ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल की बात आई है तो हम पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो पीएच है वो पहले तो पीएच स्केल का डिस्कवरी किया, इसका तो सोनेसन ने किया था इसका डिस्कवरी, और कौन से सन में किया था? तो देखिए जो इसका देखिए दो है, 1909 में तो ये सोनेसन ने इसका स्केल खो दिया, डिस्कवर कर दिया था। लेकिन जो हम लोग मॉडर्न पीएच स्केल यूज करते हैं उसकी डिस्कवरी की गई थी 1924 में, ठीक है। और फिर 0 से 14 जो होता है तक इसमें संख्याएं होती हैं, जो 0 होता है मोस्ट एसिडिक होता है, जो 14 होता है मोस्ट बेसिक होता है, और 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, इसका एक बेसिक कुछ थोड़ी चीज़ें थी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज, तो मीडियन इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिंदी वाले बहुलक। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, ऐसे आंसर ठीक होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर आता है सिक्स क्वेश्चन, क्या है? इफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल आर 20 and 35 रेस्पेक्टिवली, देन द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास विल बी, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा सा एक फार्मूला है 1/2 कोस्ट में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 27.5, ठीक है, 27.5। इसको जोड़ के इसका हाफ कर दीजिए, इसका सीधा सा फार्मूला है। फिर सेवन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ द गुआवा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिर्टेसी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिर्टेसी, ठीक है। अब देखिए और भी ऑप्शन में अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये है, सॉरी वीडियो से हट गया था।
मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए जो फर्स्ट है सोलोनेसी, इसमें देखिए स्टडी कर, इसमें इस फैमिली में आता है आपका पोटैटो, ठीक है। इस वाले में आता है पपाया, और ये जो रोसेसी है इसमें आता है रोज फैमिली, इसमें एप्पल, पी, आलमंड, स्ट्रॉबेरी ये सब आते हैं, ठीक है। देखिए जो पपाया होता है ये पहली बार जो खोजा गया था सेंट्रल अमेरिका में, इसका मतलब बताया जाता है सेंट्रल अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर 8 क्वेश्चन। हाँ देखिए 8 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी का जो सबसे ज्यादा सोर्स होगा, आप चिली मत समझ लीजिएगा, खाने के बाद सी सी करते हैं तो सी हो जाएगा, इसका आंसर होगा गोभी, मतलब कलीफ्लावर, ठीक है। तो विटामिन सी के और भी जो आपके रिच सोर्स हैं आपको पता ही होगा, जैसे सिट्रस फल पूरे आते हैं देखिए विटामिन सो इसमें, और स्ट्रॉबेरी भी इसमें आता है, कलीफ्लावर हो गया। तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी, एवन आप क्या कीजिएगा कि जितने भी विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब विटामिन के साइंटिफिक नेम और उसके रिसोर्स जो होते हैं उसको आप याद कर जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया इन 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 द ईयर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए जो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो इसमें कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वो होगा 1959, ठीक है। क्योंकि भारत में जब पहली बार टीवी चलाई गई थी तो वो चलाई गई थी 1959 में, वो भी कहाँ, दिल्ली में। तो ओनली दिल्ली में ही टीवी चलती थी कुछ दिन तक, वो भी कुछ एरिया में। फिर उसके बाद जब इसको इंडियन रेल ऑल इंडिया रेडियो जो से जोड़ा गया, ऑल इंडिया एयरलाइन से जब जो इसको जोड़ा गया ऑल इंडिया रेडियो से, तो वो जोड़ा गया था आपका 1965 में, तब ये डेली रूटीन में आ चुका था टीवी, और ये पूरे अक्रॉस द इंडिया क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होने लगा था। तो इसके लिए मैं दोनों पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हो आप इस टेलीविजन वाले पॉइंट को आप अच्छे समझ लीजिए, कि जब क्वेश्चन आएगा कि पूरे भारत में कब टीवी चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी 1965 में, ठीक है। और बस भारत में टीवी आई कब थी, तो वो आई थी 1959 में दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए अब 10 क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, ठीक है। देखिए इस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था 1952 में, इसमें किया क्या गया था, इस प्रोग्राम मतलब क्या था, अर्बन रूरल और सब अर्बन जो एरिया थे उनको डेवलप करने की बात की गई थी, ठीक है। फिर देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा GBPUAT पटना नगर, ठीक है। देखिए ये जो है ये है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये पंत नगर, देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये जो पटना पंत नगर है ये आपका जब ये यूनिवर्सिटी 1960 में डेवलप की गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में यूपी में ही था, यूपी का। लेकिन आपको पता होगा कि अब जब 2000 में यूपी से कौन सा स्टेट कट के बना था, तो आपका ये बना था नवंबर 2000 में उत्तराखंड कट के बटना बना था, ठीक है। तो उत्तराखंड कट के बनने के बाद ये वाला जो एरिया है ये चला गया उत्तराखंड में, तो फाइनली अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन जब ये स्टेबलाइज किया गया था तो कहाँ पे था, उस समय यूपी में ही था हमारे, ठीक है। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हीट इज द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द, गेहूं की किस मौसम की फसल है, तो ये आपका रबी हो जाएगा। एक बार आप रबी जायद खरीफ तीनों की फसलों के नाम देख लीजिएगा, ये इजी तो है लेकिन अक्सर ही पूछ लिया जाता है। हाँ फिर 13 क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको, हाँ 13 क्वेश्चन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज फार्मर, ठीक है। तो देखिए जो पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फीमेल प्लांट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये दो प्रकार के होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जो क्वेश्चन है इसको आप क्या कीजिएगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, क्लास 9th या 10th से उठा के क्वेश्चन आया होगा, तो आप इसको देखिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है, बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ वीट, तो इसका हो जाएगा 42, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन देखिए मैं उसमें कुछ बताता नहीं हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर क्रोमोजोम्स टॉपिक आया है तो इसका मतलब क्रोमोजोम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइनली आप क्रोमोजोम्स थोड़े जैसे डॉग हो गया और एप्पल हो गया, कुछ ऐसे जो थोड़े से ऑड टाइप के हैं उनको देख लीजिएगा, जो मतलब एक्सेप्शनल में है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, खैर यहाँ पर तो बेसिक पूछा है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, देखिए जो इसका होगा आंसर, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी जब ये आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा है, तो फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है।
विश्व हरित क्रांति को किसको बोला जाता है, जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो उसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। तो देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो थे इनको पीस से मतलब शांति से नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1970 में, इनको 1970 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किसके? शांति से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने क्षेत्र में भुखमरी से लोगों को बचाया था। समझ में आ गया, भुखमरी से लोगों को बचाया था। एक मिनट रुकिए। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 16 क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है। एक मिनट यार इसको। देखिए जमुनापारी निम्न से किसकी ब्रीड है, जमुनापारी ब्रीड इस ब्रीड है अब तो बकरी हो जाएगा। ठीक है, ये फेमस किसके लिए है, तो ये अपने मिल्क और चिकन के लिए, मतलब वो जो उसका, अब चिकन तो शायद उसका नहीं होता है, मतलब अपने उसको, सॉरी बकरी वाले को तो शायद मटन बोलते हैं ना। हाँ तो मिल्क और मटन के लिए अपने फेमस है। ठीक है, फिर देखिए भैंस की एक नस्ल है तो उसका जराफाबादी। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है और जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो गुजरात में हुआ था। अब देखिए मैं तीनों बता देता हूँ इसमें। जर्सी तो आपको पता ही है, फेमस गाय की प्रजाति है। सिंधी जो है ये भी गाय की प्रजाति है, जनरली रेड कलर की पाई जाती है। और जो बीटल है गोट की प्रजाति है। ठीक है, जो बीटल है वो गोट। हाँ फिर 18 क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल। अब करनाल कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। और करनाल नाम क्यों रखा गया है, तो एक कर्ण, महाभारत के कर्ण का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पे करनाल वर्ड पड़ा है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन क्या बोलते, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सब्जी की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा सैंडी लोम। ठीक है, ये हो गया सैंडी लोम। सैंडी लोम, अब देखिए सैंडी लोम में क्या होता है, सैंडी भी आता है और क्ले लोम भी आता है, इसीलिए सब्जियां देखते होंगे गंगा जी के जो किनारे वाली सब्जियां होती है वो ज्यादा अच्छी होती हैं, और वहां पे सब्जियों का जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है उसमें सैंड और क्ले दोनों होती है। ठीक है, फिर देखते हैं आपका ये है 20 क्वेश्चन। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत ही फेमस है, एडम स्मिथ। अब देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अगर आया है तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ मैथमेटिशियन, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, आप एक बार इनका नाम जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका ए आता है 21 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फार्मिंग कैन बी सुटेबल ग्रोन एज मिक्सड क्रॉप विद वीट। ठीक है, निम्न में से किसे गेहूं के साथ मिक्स फसल के रूप में उगाया जा सकता है, तो इसका एकदम इजी सा आंसर है सरसों। आप इसको एक्सपीरियंस भी किए होंगे, गाँव वाले होंगे तो। ठीक है, अब गोभी तो उसमें लगा नहीं सकते हैं, बैगन कपास से तो हो नहीं सकता है। आगे चलते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। देखिए कैश क्रॉप क्या होता है, जिसे नकदी फसल बोला जाता है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे गेहूं और मूंगफली दोनों ही अप्रोक्स टू मतलब इक्वली आंसर होना चाहिए, लेकिन मूंगफली मैंने आंसर टिक किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर के शुरू में एक लाइन लिखी होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक है कि यदि एकाधि वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हो तो निकटतम सही उत्तर दें, तो वही चीज है। देखिए दोनों ही आंसर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि सही होगा, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, ज्यादा सही आंसर होना चाहिए, वो आपका होगा मूंगफली। देखिए नकदी फसल के जो और भी एग्जाम्पल है वो कॉफी हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइस हो गया, और जो फसलों में ले लो तो राइस, कॉर्न और गेहूं। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका 23 क्वेश्चन देखिए क्या है, 23 क्वेश्चन है कि विच स्टेट इंडिया इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका केरला। ठीक है, देखिए जो रबर का उत्पादन है लगभग 90% रबर जो होता है, मतलब 100% मतलब टोटल प्रोडक्शन का 90% जो प्रोडक्शन है वो केरला से ही होता है, और बचे हुए 10% का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका तमिलनाडु से होता है। ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट को मैंने बता दिया है। अब आते हैं 24 क्वेश्चन में, विच इज द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस, तो इसका बहुत आसान आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम सुना ही होगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आपका आता है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। फिर ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1979 में। ठीक है, फिर चलते हैं आपका 26 क्वेश्चन, तो स्टार्ट ग्रीन एक्वेटिक फैटोलॉजी नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ठीक है, देखिए इस जो तीन ऑप्शन रिमेन्स है इसके बारे में अभी आप देख लीजिएगा, जैसे पैरासिटोलॉजी है तो इसमें पैरासाइट्स और उसके जो होस्ट होते हैं उसके बारे में बात की जाती है, जैसे होस्ट और पैरासाइट क्या होता है तो आपको पता है, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है, तो खैर इंसान भी इसी में आते हैं। फिर
फिर ये 27 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सब सेलुलर कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब देखिए, अब और ऑप्शन है, उसके बारे में अगर बात करना चाहें तो हम लोग ये जान सकते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें क्या करते हैं, कलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इसमें किसको कलर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कलर को करते हैं, ठीक है। तो ऐसे और ऑप्शन को देख लीजिए। फिर आता है आपका 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन है, ऑकरेंस ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट इन नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर होगा आपका चौथा, भिन्न पर्डी, ठीक है। फिर आता है 29 क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट म्यूटेबल वायरस, तो इसका हो जाएगा HIV, बहुत ही फेमस है ये भी, आप देख लीजिए। फिर अब लास्ट क्वेश्चन एक है, विच इज बायोबैक्टीरिया फेज, तो इसका हो जाएगा वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आज की वीडियो मैंने 30 क्वेश्चन के मैंने वीडियो डाले हैं, नेक्स्ट इसी का पार्ट बनाता हूँ, इसमें 20 क्वेश्चन जो रिमेन्स है उसका मैं डाल दूंगा। तो चलिए लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ एक लिटमस पेपर के बारे में। तो देखिए, जो लिटमस पेपर बनता है वो पहले बनता किससे, तो लाइकेन से बनता है, ठीक है, लाइकेन से बनता है। और इसका एक मैंने फार्मूला बनाया है, जैसे एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, तो इसका है ABR, ठीक है। बेसिक है तो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, तो इसका क्या है, BRB। और न्यूट्रल लिटमस पर कौन सा कलर शो करता है, तो पर्पल शो करता है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय।